हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 9 अगस्त। 9 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने दोनों लैंग्वेज में लिया, इंग्लिश में भी लिया, हिंदी में भी लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले आपको दो क्वेश्चन आंसर करने हैं फ्रॉम 8 अगस्त। सबसे पहला क्वेश्चन है, द आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट से रिलेट करता है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम करुणा निधि हु पास्ड अवे वाज नॉट रिलेटेड टू विच फील्ड। तो काफी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे, तो आपको बताना है कि वो इसमें से कौन से फील्ड के साथ रिलेट नहीं करते थे। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, आपको इसका आंसर बताना है मुझे। नाउ लेट स्टार्ट 9 अगस्त इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट एन ऐप बेस्ड टैक्सी सिस्टम इज स्टार्टेड। तो कौन सी स्टेट में एक टैक्सी सिस्टम स्टार्ट किया गया जो रहेगा ऐप बेस्ड। देखो, ये सबसे पहले तो मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। देखो, गोवा में ऑलरेडी ओला कैब्स, उबर वगैरह चल रही हैं, एंड उसके बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। वहाँ पे जब ओला एंड उबर कैब जब हुई थी स्टार्ट, तो वहाँ के जो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स थे उनको प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने प्रोटेस्ट भी की थी ताकि उनके काम पे इफेक्ट पड़ रहा था। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते थे, तो वहाँ के टूरिस्ट से ज़्यादा चार्जेस वो लेते थे, अपनी मनमानी करते थे। तो इस वजह से टूरिज़्म कंपनी को लॉस हो रहा था एंड उसमें प्रॉब्लम चल रही थी। अब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने एक ऐप लॉन्च की, एक टैक्सी सिस्टम मतलब लॉन्च किया जो ऐप बेस्ड रहेगा। इसमें होगा क्या कि जितने भी फेयर्स हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उस ऐप में रहेगा, मेंशन रहेगा कि इस जगह से वहाँ जगह तक कितना चार्जेस हैं, कितना फेयर है। तो उससे होगा कि टूरिस्ट से वो ज़्यादा चार्जेस नहीं कर पाएंगे एंड वो जो भी रहेगा ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो इसलिए ये लॉन्च की ऐप बेस्ड टैक्सी सिस्टम, एंड इस टैक्सी सिस्टम का नाम है गोवा माइल्स। एंड अबाउट गोवा, गोवा की कैपिटल है पानाजी एंड वहाँ के जो CM है वो है मनोहर पारिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लैनेट इज हेडिंग टूवर्ड्स एन इरिवर्सिबल हॉट हाउस गैस स्टेट। तो ये आपको बताना है कि एक ऐसा प्लैनेट कौन सा है जो एक ऐसी साइड जा रहा है जहाँ से वापस आना इरिवर्सिबल है, मतलब नॉन रिवर्सिबल है, वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है सबसे पहले तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ। मतलब अर्थ की में ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की वजह से इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक ऐसे हॉट हाउस स्टेट की तरफ जा रहा है हमारा अर्थ, ताकि अगर हम इसको अभी ना रोकें तो ये वहाँ से वापस आना, उसके बाद अब चाहे जितनी मर्जी फॉरेस्टेशन कर लो तो उस स्टेट से वापस आना नॉट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो बस अब यही है कि अब जो भी है अब रोकना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन वगैरह तो सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज एक ऐसे स्टेट में हम चले जाएंगे वहाँ से वापस आ पाना नॉर्मल कंडीशन में आ पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थ। एंड अबाउट मरकरी, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन से, एंड उसके बाद वीनस आ गया, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एंड जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, एंड अर्थ इज जो हमारा ब्लू प्लैनेट। एंड जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वो मरकरी सबसे नियरेस्ट है, बट स्टिल सबसे हॉटेस्ट वीनस ही है, बिकॉज मरकरी आर सन के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, बट वहाँ का जो मतलब इन्वायरमेंट वहाँ वो हीट को मेंटेन नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो वहाँ से रिटेन हो जाती है सारी हीट। तो बट ये जो वीनस है तो वहाँ पे जो हीट स्टोर रहती है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस ही है, नॉट मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइंटिस्ट ऑफ विच प्लैनेट कंट्री डेवलप्ड ए कंपाउंड विच में रिवर्स ह्यूमन सेल एजिंग। तो मतलब एक कंट्री के साइंटिस्ट ने एक ऐसा कंपाउंड डेवलप किया जो ह्यूमन सेल एजिंग को रिवर्स कर सकता। तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, इसमें होगा क्या कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को सबसे पहले हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो कौन करता है, जो मेन यूनिट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी, जो वो एनर्जी को, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है एट द एंड। तो अब ये कंपाउंड क्या करेगा, एक कंपाउंड होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया को फ्यूल प्रोवाइड करेगा, एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को फ्यूल प्रोवाइड करेगा, वो ज़्यादा प्रॉपरली वर्क करेगा। इससे होगा कि जो हमारे जो जल्दी एनर्जी लेवल एनर्जी में कन्वर्ट होगा खाना, एंड उससे होगा कि हमारे सेल्स जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रॉपरली वर्क करेगा ताकि वो भी ज़्यादा देर तक काम करें एंड ज़्यादा लाइफ लॉन्ग रहे। तो उससे ओवरऑल क्या होगा, हमारी जो एजिंग पे है वो इफेक्ट पड़ेगा, तो वो उम्र को ज़्यादा एजिंग भी बढ़ेगी, हमारी उम्र भी बढ़ेगी, एंड उसको ये रिवर्स भी कर सकता है। तो ये कौन सी कंट्री ने किया, ये किया UK ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली एम करुणानिधि पास्ड अवे,
He was the chief minister of which state? कौन से स्टेट के सीएम थे? वो पांच टाइम तमिलनाडु के सीएम बन चुके थे, रह चुके हैं, तो ये आपको बताना है कि वो कौन से स्टेट के सीएम थे. तो द आंसर इज तमिलनाडु. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हाई कोर्ट रिसेंटली स्टेटेड बैगिंग इन द स्टेट इज नॉट ए क्रिमिनल एक्टिविटी. तो कौन से हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी कि जो बैगिंग है, भीख मांगना, इज नॉट एन क्रिमिनल एक्टिविटी. तो ये स्टेटमेंट दी दिल्ली हाई कोर्ट ने. एंड इन्होंने ये दी क्यों? बिकॉज उन्होंने कहा कि जो भी हमारी क्रिमिनल, जो क्रिमिनल्स, हम उनको कैसे बोल पाए, बिकॉज जो भीख मांग रहा है, सबसे पहले तो हमारी कंट्री, ये हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने, हम इतने कैपेबल नहीं है कि उन सबको जॉब्स प्रोवाइड करें, शेल्टर प्रोवाइड कर सकें, खाने के लिए दे पाएँ कुछ. इस वजह से उन्होंने मजबूर होकर भीख मांगी. एंड उसके बाद आजकल फोर्सफुली बैगिंग भी करवाई जा रही है, तो वो भी रीज़न हो सकते हैं. तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम इनको एज ए क्रिमिनल नहीं कह सकते. तो ये स्टेटमेंट किसने दी? तो ये दी दिल्ली हाई कोर्ट ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज मैन हॉकी टीम रिसेंटली. मतलब इंडिया की जो हॉकी टीम है उसका रैंक कितना है? तो पहले इसका अराउंड 9th था, एंड अब ये थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ गया. तो राइट नाउ जो हमारी पोजिशन है वो है 5th नंबर पर. एंड हॉकी वर्ल्ड कप अभी हमारा हुआ नहीं है, ये होगा भुवनेश्वर में. एंड अभी जो 2018 में होगा, एंड जो वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप हुआ तो वो जीता किसने? मैंने क्वेश्चन शेयर भी किया था, वो जीता था नीदरलैंड ने. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑब्जर्व द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. एक डेमोक्रेसी फेस्टिवल कौन सी स्टेट ने ऑब्जर्व किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है केरला. इन्होंने किया क्या, इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने, उन्होंने डायमंड जुबली सेलिब्रेट की. डायमंड जुबली सेलिब्रेट करते हैं 60 ईयर्स के बाद, जब 60 ईयर्स पूरे हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया. एंड अबाउट केरला, वहाँ की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, एंड वहाँ के जो सीएम है वो हैं पीनू राजी विजया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट इन टर्म्स एट लोक कल्याण मित्रा. देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इसका आंसर बता देता हूँ. सबसे पहले यूपी. लोक कल्याण मित्रा एक ऐसे लोग होंगे, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने किया, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के सीएम है, तो उन्होंने ये एक चीज़ रखी कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो जो भी स्कीम्स लॉन्च करते हैं तो लोगों तक पहुँच नहीं पाते. तो इसलिए इन्होंने एक बीच में इंटरिम्स किए, लोग इन्होंने अपॉइंट किए, कम्युनिटी बनाई जो ब्लॉक लेवल पर काम करेगी लोक कल्याण मित्रा, तो स्कीम्स के बारे में बताएगी एंड गवर्नमेंट को भी उसका फीडबैक देगी, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है एंड कैसा उनका रिएक्शन है इसके लिए.